मौसम बदल रहा है और ऐसे में चाय वगैरह के साथ कुछ ना कुछ खाने का मन कर ही जाता है, लेकिन साथ के साथ अपनी हेल्थ को भी देखना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गिल्ट फ्री वाली नमकीन, क्योंकि इसको हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बिना तले। यकीन मानिए, बहुत ही हेल्दी नमकीन बनाने जा रही हूँ, बहुत पसंद आएगी। चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए, सफर पर जा रहे हैं तो ले जाइए, या रात में टीवी देखते देखते कभी भी चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। ऐसी जबरदस्त हेल्दी टेस्टी मिनटों में तैयार होने वाली, जिसको आप अगर भर भर कर भी बनाएंगे ना तो भी 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरी चट हो जानी है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी हेल्दी क्रिस्पी रोस्टेड पोहा चिबड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक भारी तले की कढ़ाई या कोई पैन ले लीजिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कप थिन पोहा, यानी पतला वाला पोहा, जिसे हम पेपर पोहा बोलते हैं या फिर नायलॉन पोहा भी बोलते हैं, जिससे हम रोज में नाश्ता बनाते हैं, ये वो वाला नहीं है। बिल्कुल देखिए, इस तरीके का हल्का वाला आता है, चपटा सा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। जब आप इससे कोई नमकीन बनाते हैं तो वो ज्यादा क्रिस्पी और बढ़िया बनती है, और स्पेशली इस पोहे के लिए आपको कोई डीप फ्राइंग की भी जरूरत नहीं है। बस धीमे धीमे हमें इसको इस तरह से सेकना है कि इसका कलर ना चेंज हो, लेकिन आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो इसका साइज है पोहे का, वो श्रिंक होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा, और सिकुड़ के हल्का सा कुरकुरेपन पर ये आ जाएगा। पोहे से बनी नमकीन या कोई भी नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, पोहा सस्ता भी पड़ता है, तो नमकीन भी आपको काफी सस्ती भी पड़ेगी। और अभी फेस्टिवल टाइम पर अगर आप इसे खूब सारा बनाकर भी रख लेंगे तो महीनों महीनों भी खराब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं इसमें चेंजेस, धीरे धीरे करके ये श्रिंक होता जा रहा है, यानी कि हल्का सा सिकुड़ रहा है। बस याद रखिए, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, जलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी सिक जाता है तो जलने लगेगा, आपने अगर जरा भी फ्लेम तेज रखी तो। और ये देखिए, मिनटों में ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोहा था बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, साइज भी इसका श्रिंक हो गया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। जब आप ऐसे हिलाएंगे ना तो देखिए खनकदार आवाज आएगी, परफेक्ट। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये टूटने लगेगा। गैस को बंद कर देंगे, इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जैसे ये ठंडा हो जाए, जैसे ऐसे ठंडा होगा ये और क्रिस्पी हो जाएगा। तो हमारा पोहा हो रहा है जब तक ठंडा, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब वापस से वही कढ़ाई या पैन ले लें, फ्लेम को रखेंगे लो, और अब हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। इससे ज्यादा हमें तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसको बिल्कुल बिना फ्राई किए बना रहे हैं। और तेल के गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 कप मूंगफली, कच्ची वाली मूंगफली जो रॉ पीनट्स होती है ना, बस वही है। मूंगफली प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, इनका खजाना होती है। आज जो भी चीजें मैं इस पोहा चिबड़ा में डाल रही हूँ सब एकदम हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, साथ के साथ बहुत सारे मिनरल विटामिन से भरपूर हैं। तो बस यहाँ पर मूंगफली को लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने, यहीं पर चटक जाएंगे। बस मूंगफली के साथ लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से इसको भी भून लेंगे। मैंने कोशिश की है कि आज इस पोहा चिबड़ा नमकीन को मैं बहुत ही कम तेल में एकदम हेल्दी तरीके से बनाऊं और टेस्टी भी बने। और आपको आवाज आ रही होगी, मूंगफली भी हल्की सी भुननी शुरू हो गई है। तो बस इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। अब नमकीन बना रहे हैं, थोड़ी चटपटी भी होनी चाहिए ना, तो यहीं पर हरी मिर्च को बढ़िया से क्रिस्प यानी करारा कर लेंगे। तो मेरे पास एक लाल वाली भी मिर्च भी थी तो मैंने वो भी ऐड कर ली है, कलर अच्छा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है ये नमकीन में, नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह चलाते हुए हरी मिर्च, करी पत्ता, सभी चीज को एकदम कुरकुरा सा कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी नमकीन है वो बिल्कुल खराब ना हो, और ये जो चीज हम डाल रहे हैं उसमें एकदम क्रिस्प यानी कुरकुरापन आ जाए। करी पत्ता बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है पोहा चिबड़ा में। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप काजू, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास टुकड़ा काजू हो तो वो भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात पोहा चिबड़ा नमकीन में ये है कि कोई भी आप वेरिएशन कर सकते हैं, जो नहीं पसंद करते हो उसे मत डालिए, जितनी मात्रा में बनानी है उस हिसाब से ज्यादा कम भी कर सकते हैं। बस कुछ सेकंड इस तरह से काजू को भी सेक लेंगे, साथ के साथ ये जो मिर्च और करी पत्ता वगैरह हमने डाला है ना वो भी सिकता जाएगा। और बस कुछ ही सेकंड्स बाद इसमें हम ऐड करेंगे मजेदार 2 बड़े चम्मच बादाम। बादाम को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं लाइक करें तो ना डालें, ज्यादा पसंद करें तो ज्यादा डाल लें। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मगज के बीज, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, विटामिन बी से भरपूर। मैं ये सारी चीजें इसलिए डाल रही हूँ जब हम चाय के साथ भी ये नमकीन खाएं तो कुछ हेल्दी खा पाएं, और बच्चे भी इस नमकीन के बहाने कुछ हेल्दी खा सकेंगे। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ 1/3 कप
नारियल, सूखा वाला नारियल होता है ना, उसको मैंने इस तरह से पतला पतला ग्रेट कर लिया है। बहुत ही मस्त लगता है इस नमकीन में। साथ ही मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप रोस्टेड चना दाल, जो फोटाना दाना जिसे हम दालिया भी बोलते हैं ना, ये बस वही है। तो ये भी यहीं पर डाल देंगे। मतलब ये पोहा चिवड़ा का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, चना दाल और नारियल। मस्त लगता है इस रेसिपी में। ऐसे ये चीजें खाने के लिए सोचो तो बस सोचते ही रह जाते हैं, खा नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिल पाता अपने बिजी शेड्यूल में, लेकिन नमकीन के बहाने में सब लोग खा लेंगे। और आप देख सकते हैं कि सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से सिक गई हैं, क्रिस्प की आवाज भी आ रही है, हल्का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज पर लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच किशमिश। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप किशमिश नहीं लाइक करें तो ना डालें, लेकिन किशमिश हेल्दी बहुत होती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। तो बस किशमिश सबसे एंड में इसलिए डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है, तो कालेपन पर ना आ जाए इसलिए लास्ट में डालें। और बस इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लें। अब यहीं पर हम इसमें डालेंगे फ्लेवरफुल कुछ मसाले। तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, हो तो जरूर डालिएगा, नमकीन वगैरह में ये बहुत अच्छा लगता है। आधा छोटी चम्मच हल्दी, जिससे बढ़िया सा कलर आ जाए नमकीन में। 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत प्यारा आ जाएगा पर मिर्च नहीं पड़ेगी। यदि आप बिना मिर्च के बनाना चाहें तो बिना मिर्च के बना लीजिए। और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और बस सारे मसाले को भी लो फ्लेम पर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए क्या मस्त कलर आया है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला ना, एकदम बढ़िया रंग हो गया है। जरूर बनाइएगा, एक एक चीज आपको बेहतरीन लगेगी इस नमकीन में। और अब तो ये रोस्टेड तरीके से मैंने बनाई है, बहुत ही क्रिस्पी रहेगी। और बस ठंडा हो जाने के बाद एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, ये महीने भर भी खराब नहीं होगी। ये नमकीन दिवाली वगैरह पे तो बहुत ही महंगी मिलती है मार्केट में, इस तरह घर में आप बहुत ही सस्ते में और एकदम हाइजीनिकली शुद्ध हेल्दी टेस्टी पोहा चिवड़ा बना सकते हैं। तो बस इस स्टेज पर गैस बंद करके इस सारे मिक्स को अपने जो पोहा हमने तैयार करके रखा है उसमें हम डाल देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथ से चिवड़ा के साथ हम कर लेंगे सब चीजों को मिक्स। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पूरा कलर चेंज हो जाएगा। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मजेदार पोहा चिवड़ा है बिल्कुल तैयार। अब मैं इसको थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर। चीनी पीस लीजिए और पाउडर शुगर बना लीजिए, या फिर आपके पास चीनी का बूरा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। पूरी तरह से ऑप्शनल है, ज्यादातर जो नमकीन होती है वो खट्टी मीठी बढ़िया लगती है, जैसे हल्दीराम वगैरह की आती है ना, बिल्कुल वही फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और अच्छे से मैंने पाउडर शुगर को भी मिक्स कर लिया है, हमारी चटपटी खट्टी मीठी मजेदार पोहा चिवड़ा नमकीन है बिल्कुल तैयार। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी सुपर क्रिस्पी टेस्टी हेल्दी पोहा चिवड़ा, जिसको बनाना बिल्कुल बनता है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि सिर्फ 1 चम्मच तेल में हमने पूरी नमकीन बना ली, और इतने हेल्दी तरीके से डब्बा भर भर कर बना लीजिए और पूरे महीने एंजॉय कीजिए अगर बच जाए तो। तो भाई मेरे यहाँ तो ये नमकीन बचती नहीं है 2 दिन भी। आप भी बनाएं, मुझे जरूर बताएं कैसी लगी आपको आज की ये हेल्दी टेस्टी रोस्टेड पोहा चिवड़ा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।